अल्लाह ने तुमको वो नबी अता फरमाया है कि तुम दुनिया के कौन से भी कोने में रहो, हुजूर को याद करो, तुम्हारा नबी तुमको गुंबद खजरा से याद कर लेगा। आज बड़ा इख्तलाफ होता है, यहां से पुकारे तो क्या वहां सुनते। खुदा की कसम, बोलना अलग है या नबी सलाम अलैका, दिल की धड़कन को भी मेरे नबी सुना करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर जब तुम दुरूद पढ़ते हो जुमा के दिन, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, क्योंकि जुमा के दिन तुम्हारे दुरूदों को मैं अपने कानों से सुना करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले, वो नबी जिसको अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। अरे देखो आप भी इस मुल्क में रहते, मैं भी रहता हूँ इस दक्कन में, हैदराबाद में आप भी रहते मैं भी रहता हूँ, लेकिन कभी कभार जो है सिग्नल नहीं रहता, फिर भी आपको खड़ा कर देते। बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले साहब सिग्नल तो नहीं है, रुकने का तो नहीं है, लाल लाइट तो नहीं है। बोले नहीं, मिनिस्टर साहब गुजर रहे, MP साहब गुजर रहे, MLA साहब गुजर रहे, फलां गुजर रहे, फलां गुजर रहे। तो ये दुनियावी प्रोटोकॉल है, जिसको गवर्नमेंट कुर्सी पर बिठाती है उसका प्रोटोकॉल रास्ते बंद हो जाते हैं जब वो निकलता है। तो सोचो ये दुनियावी हुकूमत जब किसी को कुर्सी पर बिठाती है तो उसके लिए प्रोटोकॉल कायम करती है, उसके लिए उसकी गाड़ी पर लाल बत्ती घूमती है, वो सिक्योरिटी के बीच में जाता है ताकि दुनिया को बता दिया जाए ये जो गुजर रहा है ये दिखने में तो आम आदमी है, ये आम आदमी नहीं है, ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये तुमसे है। तो सोचो उस जात की शान का आलम क्या होगा जिसको अल्लाह ने मकाम महमूद अता फरमाया है, जिसको अल्लाह ने मकाम महमूद अता फरमाया, जिसको अल्लाह ने सैयदुल अंबिया की कुर्सी पर बिठाया, जिसको अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाया, वो नहीं सुन सकते? बोले नहीं। बोले भाई आप दिल में इरादा करे नमाज पढ़तो, क्या इरादा करे, जोर से बोलना पड़ता, नमाज पढ़तो दिल में सोचे, लेकिन एक आके जो है आपको भटका दिया, शैतान आपके दिल के इरादे को भी जान रहा। शैतान अल्लाह का दोस्त है या दुश्मन है, ये बोलिए। ये मजमे में कोई है जो बोलता दोस्त है? दुश्मन है अल्लाह का। शैतान अल्लाह का महबूब है या मर्दूद है? मर्दूद है, अल्लाह का दुश्मन है। जब दुश्मन के पावर को तुम मान रही तो दोस्त के पावर को क्यों नहीं मानते? जब दुश्मन को इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया में आपको भटका सकता, तो अल्लाह का महबूब पूरी दुनिया में से तुम जहां रहकर पुकारो सुन क्यों नहीं सकता? अरे तुम तो यहां की बात करते हो, हैदराबाद में या नबी सलाम अलैका बोरे तो मदीने में सुनते क्या? मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, आप हैदराबाद से प्लेन में उड़ जाइए, हवा में रहिए, वहां या नबी कह दीजिए, रसूल मदीने में सुन लेते। आप मार्स पे चले जाइए, आप कौन से भी सैयारे पर चले जाइए, जहां जहां तक रब है वहां वहां तक मुस्तफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं गुलू नहीं कर रहा हूं, अल्लाह खुद बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अमारसल्ला का इल्ला रहमतुल आलमीन, और ए हबीब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो अल्लाह ने आलमीन अपने लिए इस्तेमाल किया, आलमीन रसूल के लिए इस्तेमाल किया, और ये बता दिया जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई है, और जहां जहां तक मोहम्मद है वहां वहां तक मैं हूं, जहां मैं हूं वहां मोहम्मद है, जहां मोहम्मद है वहां मैं हूं, जहां मैं नहीं वहां मोहम्मद नहीं, और जहां मोहम्मद नहीं वहां पर मोहम्मद का रब नहीं है। अब चंद लोगों के पास अल्लाह ही अल्लाह है, बोले अल्लाह को मानते अल्लाह को मानते अल्लाह को मानते, खुदा की इज्जत की कसम है, अल्लाह को तो पूरी इंसानियत मानती, पूरी कायनात मानती, अल्लाह एक है, बोलने वाला कौन है? एक तनहा जात है जिसने अपने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार फरमाया है, ये आई विटनेस है हुजूर। क्या है? आई विटनेस है, आई विटनेस।